अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हाँ जी, तो हम पहुँचे हैं रूपल विलेज में, जो कि नागा पर्वत बेस कैंप से पहले लास्ट विलेज है। उससे आगे फिर 2 घंटे की हाइक है, 3 घंटे की नागा पर्वत का जो बेस कैंप है रूपल फेस, वहाँ तक। तो इंशाल्लाह आज वहीं जाएंगे हम। टाइम अभी तकरीबन 4 बज रहे हैं और ये जो गांव है, क्या गांव है सच पूछें तो। जो मुझे फेरी मीडोज़ है ना, वो भी भूल गया। हालांकि वो बहुत प्यारी जगह है जो रायकोट फेस है, लेकिन इसकी क्या बात है, ऐसे बिल्कुल लश ग्रीन मीडोज़ हैं और अनएक्सप्लोर्ड हैं बहुत कम। मतलब अभी इस सीज़न में तो हम आने वाले आई थिंक पहले हैं वो विज़िटर्स जो यहाँ पे आए हैं। बहुत खूबसूरत गांव है, जितनी तारीफ़ की जाए मतलब ये बयान नहीं हो सकता अल्फाज में ना। तो हियर आई एम। रोड थोड़ा रफ था तो गाड़ियां हमने आगे भेज दी हैं एक एक बंदा करके, और हम बाकी लोग दोस्त हाइक कर रहे हैं। तो ये मेरा प्रा और इन्जॉइंग आर वॉक, और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसी मीठी मीठी सर्दी है, रात को काफ़ी ठंड होगी होप्स हो यहाँ पे। तो स्टे ट्यून गाइस। और अस्तोर से आज जो, वैसे तो मतलब टर्शिंग से आगे जीप रैक है, लेकिन हमने अपनी गाड़ियों को ट्राई किया है क्योंकि कुछ लोकल्स कह रहे थे कि आप आ सकते हैं अपनी गाड़ियों पे ना रूपल विलेज तक। टर्शिंग तक तो हर गाड़ी आती है, बट उससे आगे थोड़ा टफ ट्रैक है, रॉकी है और काफ़ी इंक्लाइन है, तो उस वजह से जीप ट्रैक है मतलब बेसिकली। लेकिन हम अपनी गाड़ियों पे पहुंच गए हैं यहाँ तक, और अब हम जो टेंट साइट है, पहली टेंट साइट टुवर्ड्स कैंप साइट, वहाँ तक हम जाएंगे आज। वहाँ रात को स्टे करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करता रहूँगा और आप इंजॉय करें रूपल वैली की खूबसूरती को, इसकी ब्यूटी को, जो कि अभी तक एक इसकी प्योरिटी का ये भी है कि यहाँ पे अभी बहुत कम लोग आते हैं। फेरी मीडोज़ तो बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गया है जो रायकोट फेस है। तो अभी जो है ये थोड़ा प्योर पड़ा है, और मतलब यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, जिससे भी हमने बात की है बहुत हॉस्पिटेबल है, बहुत नाइस है। ये आपको थोड़ा थोड़ा फेस नज़र आ रहा होगा नागा पर्वत का रूपल फेस। अभी क्लाउडी है मोस्टली, तो क्लाउडी में ही क्लाउड्स में ही रहती हैं जो पीक्स हैं, समिट्स हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत नज़र आ जाता है अगर आप लकी हैं और क्लाउडी नहीं है वेदर, तो समटाइम्स मुर्शिद अपना दीदार करवा देता है ना। तो जब भी ऐसा हुआ मैं ट्राई करूँगा उसे शूट करने की और आपको दिखाने की। सो हम रूपल जो विलेज है उसको क्रॉस कर लिए हमने, और वो हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं आगे, हमारे दोस्त लेके जा रहे हैं। हम लोग हाइक कर रहे हैं थोड़ा सा पैदल क्योंकि रोड रफ है काफ़ी, और बहुत मज़ा आया। थकन तो है क्योंकि हम निकले थे परसों, पहली रात हमने स्टे किया हमारे दोस्त विक्ट्री का निशान बनाते हुए। ये चीज़ नागा पर्वत की चोटी जो है यस खुली है, यस इनके बादल वगैरह घटे हैं और एग्जैक्टली इंशाल्लाह कल फिर ये हमें मुर्शिद पूरी ज़ियारत करवाएगा, अपनी दीदार करवाएगा। इतना कष्ट करके हम आए हैं यहाँ तक, तो अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं बता रहा था आपको कि हम जो हैं पहली रात हमने पेशाब स्टे किया था, उसके बाद जो है वो दूसरी रात हमने बहुत, वो जो थोड़ा सेक्शन था दासू कैंप, वो डैम साइड की वजह से रफ था बहुत, रोड 30-40 किलोमीटर। तो हम रात 12 बजे फिर अस्तोर पहुँचे थे कल, और अस्तोर स्टे किया था। आज सुबह वहाँ से निकले हैं और ड्राइव करते करते जो है वो पहुँचे हैं रूपल गांव, दर्शिंग से आगे।
तरशिंग भी बहुत खूबसूरत गांव है, बहुत खूबसूरत, और इनको बंदा अल्फाज में बयान नहीं कर सकता इनकी खूबसूरती को, और रूपल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत गांव है। अब हम जा रहे हैं बेस कैंप की जानिब, जो कि एक टेंट साइट है पहली। कल फिर हम ट्राई करेंगे जो लातोबो बेस कैंप साइट है, बेस कैंप नंबर 2, वहाँ तक जाने की इंशाल्लाह। तो मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा, और टिल नाउ आप थोड़ा वेट करें, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। थैंक यू।